हनुमान करके टीवी में मोबाइल से रील बनाने के चक्कर में एक साथ तीन पीढ़ियां काल के गाल में समा गई। हनुमान करके टीवी में मोबाइल से रील बनाना सभी को महंगा पड़ गया। इंदिरा गांधी नहर में तलवाड़ा झील पर बने नहर में अचानक एक कार पलट गई। कार में सवार सभी लोग जान से हाथ धो बैठे। फिलहाल नहर में कार से एक बच्चे सहित 300 मिले हैं। कार सहित 300 को नहर से बाहर निकाला गया। टीबी पुलिस के अनुसार दादा पोता और पुत्र की मौत की पुष्टि हुई है। तीन पीढ़ियां एक साथ काल के गाल में समा गई। आज बता दें कि टीबी तलवाड़ा रोड पर इंदिरा गांधी नहर में कार उस वक्त पलट गई जब ये तीनों यानी दादा पोता और पुत्र तीनों मिलकर मोबाइल से इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना रहे थे और रील्स बनाने के चक्कर में गाड़ी अनबैलेंस हो गया और सीधा नहर में चली गई। बता दें कि दादा पोता और पुत्र तीन पीढ़ियां एक साथ काल के गाल में समा गई। राठी खेरा निवासी के रूप में तीनों की पहचान हुई है। टीबी पुलिस ने तीनों के शव चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाए गए हैं। अभी तक तीनों शव की पहचान की पुष्टि के लिए कोई भी घर वाले नहीं पहुंचे हैं। जानकारी मिल रही है कि इस कार में 2 से 3 लोग और सवार थे जिसके लिए आपदा प्रबंधन और सूर्यवाला से गोताखोर टीम को भी बुलाया गया है ताकि बाकी शवों को भी निकाला जा सके। जानकारी के अनुसार गाड़ी में लगभग 5 से 6 लोग सवार थे लेकिन अभी तक 300 निकाले गए हैं। गाड़ी में लगभग 5 से 6 लोग सवार थे और सभी लोग नहर के किनारे मोबाइल से रील्स बना रहे थे जिसे कि सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाना था और रील्स बनाने के चक्कर में गाड़ी नहर में पलट गई जिसे कि 3 लोगों का शव बरामद किया गया है। बाकी 2 से 3 लोग अभी भी नहर में लापता बताए जा रहे हैं।